आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, हैंड नेम अलर्ट वाले वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यदि आप भी टिकटॉक पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इस तरह के वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को लेयर पे क्लिक करता हूँ, ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ और एक बार मैं वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिंपल आपको नेम टाइप करना है। तो सिंपल हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं और आपको 0.5 या 0.6 पे आना है। इसके बाद लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है और आपको यहाँ पे जो भी नाम टाइप करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से टाइप कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ निशा। टाइप करने के बाद इसे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से इसे जूम करना है और आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको आना है इन एनिमेशन में और यहाँ पे आपको फेड दे देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस लेयर पे क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पर लेकर आ जाना है। इसके बाद फाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे फाउंट देखने को मिल जाएंगे, तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं एक फाउंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं आपको फाउंट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद कलर पे आना है, जो आपने लेटर टाइप किए उस लेटर को आपको कलर चेंज करना चाह रहे तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जब हम फाइनली वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। जो आपने लेटर टाइप किए तो उस लेटर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आउट एनिमेशन में आना जाना है। और यहाँ पे आपको यदि आउट एनिमेशन देना चाह रहे हैं तो आउट एनिमेशन भी दे सकते हैं, जो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लेटर आपको कुछ इस तरह से हिल रहा है, तो आप चाहे तो आप कुछ इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब वीडियो हम प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको साउंड ऐड करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैं आपको सिर्फ साउंड ऐड करने का तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे आपको किसी भी वीडियो का साउंड ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल में वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, आप कोई भी साउंड टिकटॉक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। इसके बाद जैसे कि आप साउंड देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं या फिर टिकटॉक वीडियो के कमेंट में @ टेक्निकल शैलेंद्र टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।